पैनल इंडिया, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ड के बारे में जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसका नाम है वेरी। वेरी मतलब होता है अत्यधिक। अगर हम बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम बोलते हैं वेरी वार्म। अगर हम बोलना चाहते हैं बहुत ठंडी है तो बोलते हैं वेरी कोल्ड। तो आज की वीडियो में 20 ऐसे वर्ड जानेंगे जो हम वेरी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं वेरी कोल्ड तो यहाँ हो सकता है फ्रीजिंग, वेरी स्मॉल तो यहाँ हो सकता है टाइनी, और इनको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको करके बताऊंगी। तो इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश बोलना और अच्छा सिखा सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी को इनरिच कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास अच्छे अच्छे वर्ड का कलेक्शन रहेगा तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे कि मैं पहले बोलती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो वो तो करना ही है आपको। इसके अलावा मैंने परसों ही एक अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है लेट्स टॉक विद पल्लवी, यानी मुझसे आपको बातें करनी है। तो वो चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है। तो जिस तरह से आप मॉमीज प्लैनेट इंडिया को प्यार दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लेट्स टॉक विद पल्लवी चैनल को भी प्यार दें, उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब शेयर करें, मैक्सिमम लाइक करें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाके उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारा वो है वेरी वार्म। वेरी वार्म का अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी। तो इसकी जगह हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट। जैसे हम बोलते हैं द वेदर इज़ वेरी वार्म, तो यहाँ बोल सकते हैं द वेदर इज़ वेरी हॉट। तो यहाँ पे वेरी वार्म की जगह क्या लिख सकते हैं? हॉट। तो अत्यधिक गर्मी को आप ये भी लिख सकते हैं हॉट। दूसरा वर्ड है हमारा वेरी कोल्ड, यानी अत्यधिक ठंडी। तो इसके लिए क्या वर्ड आता है? इसके लिए वर्ड आता है फ्रीजिंग। अत्यधिक कोल्ड के लिए क्या लिख सकते हैं? फ्रीजिंग। तो वेरी कोल्ड को लिख सकते हैं फ्रीजिंग। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ बोलेंगे द वेदर इज़ फ्रीजिंग। तीसरा वर्ड है हमारा वेरी स्मॉल, यानी अत्यधिक छोटा। इसके लिए एक वर्ड है टाइनी। जैसे आप जानते भी होंगे, एक स्टोरी हमने पढ़ा था लिलीपुट के बारे में, तो वहाँ पे था कि वहाँ के लोग अत्यधिक छोटे थे, तो वहाँ बोलेंगे द पीपल वेयर टाइनी, यानी बहुत ज़्यादा छोटे। तो वेरी स्मॉल की जगह हो सकता है टाइनी। चौथा वर्ड है हमारा वेरी हैप्पी, इसकी जगह हो सकता है एक्सटैटिक। वेरी हैप्पी की जगह हो सकता है एक्सटैटिक। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो यहाँ बोल सकते हैं आई एम एक्सटैटिक, मतलब मैं अत्यधिक खुश हूँ। पांचवा वर्ड ये है वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, मतलब अत्यधिक मैं दुखी हूँ। तो इसकी जगह एक वर्ड आ सकता है सॉरोफुल। तो वेरी सैड की जगह आप लिख सकते हैं सॉरोफुल, वेरी हैप्पी की जगह एक्सटैटिक और वेरी सैड की जगह सॉरोफुल। छठा वर्ड ये है वेरी कलरफुल। जैसे हम लिखते हैं दिस फैब्रिक इज़ वेरी कलरफुल, ये मतलब ये अत्यधिक रंगों से भरा है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं वेरी कलरफुल की जगह वाइब्रेंट। वेरी कलरफुल की जगह आप बोल सकते हैं वाइब्रेंट, दिस फैब्रिक इज वाइब्रेंट। सातवां वर्ड ये है वेरी ईजी, इसकी जगह हो सकता है एफर्टलेस। वेरी ईजी की जगह हो सकता है एफर्टलेस। आठवां वर्ड ये है वेरी इंटेलिजेंट, इसकी जगह हो सकता है ब्रिलियंट। वेरी इंटेलिजेंट की जगह हो सकता है ब्रिलियंट, दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस बॉय इज ब्रिलियंट। नौवां वर्ड ये है वेरी स्लो, इसकी जगह हो सकता है स्लगिश। वेरी स्लो की जगह हो सकता है स्लगिश, यानी वो अत्यधिक धीमा है, तो यहाँ बोल सकते हैं स्लगिश। तो यहाँ पे हो सकता है वेरी स्लो की जगह स्लगिश। दसवां वर्ड ये है वेरी टैलेंटेड, दसवां वर्ड है हमारा वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ बोल सकते हैं गिफ्टेड, दिस बॉय इज़ वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ बोल सकते हैं दिस बॉय इज गिफ्टेड। ग्यारहवां वर्ड ये है वेरी क्यूट, दिस बेबी इज़ वेरी क्यूट, तो वेरी क्यूट की जगह आप लिख सकते हैं एडोरेबल। वेरी क्यूट की जगह लिख सकते हैं एडोरेबल, दिस बेबी इज एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है वेरी क्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी बैड, वेरी बैड की जगह लिख सकते हैं ऑफुल। जैसे दिस बुक इज़ वेरी बैड, तो यहाँ बोल सकते हैं दिस बुक इज ऑफुल, दिस बुक इज ऑफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी टेस्टी, यानी अत्यधिक स्वादपूर्ण, तो यहाँ पे बोल सकते हैं डेलिशियस। जैसे हम बोलते हैं द फूड इज़ वेरी टेस्टी, यानी कि वो अत्यधिक स्वाद से भरा है, तो इसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेलिशियस, दिस फूड इज़ डेलिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है वेरी गुड। तो वेरी गुड की जगह आप बोल सकते हैं एक्सीलेंट। जैसे योर मार्क्स आर वेरी गुड, योर मार्क्स आर एक्सीलेंट, योर मार्क्स आर एक्सीलेंट। वेरी गुड की जगह आप बोल सकते हैं एक्सीलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी क्लियर, तो यहाँ हो सकता है ऑब्वियस। वेरी क्लियर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियस, वेरी क्लियर की जगह हो सकता है ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड ये है वेरी नाइस,
वेरी नाइस की जगह हो सकता है काइंड, जैसे हर टीचर इज़ वेरी नाइस, तो यहाँ लिख सकते हैं हर टीचर इज़ वेरी काइंड, मतलब वो अत्यधिक अच्छी हैं, तो यहाँ हो सकता है एक वर्ड काइंड, तो वेरी नाइस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं काइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं अत्यधिक थकी हुई हूँ, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एग्जॉस्टेड, यानी मैं अत्यधिक थकी हुई हूँ, तो वेरी टायर्ड की जगह आप बोल सकते हैं एग्जॉस्टेड, वेरी टाइट की जगह बोल सकते हैं एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी हंग्री, जैसे हम बोलते हैं मम्मी आई एम वेरी हंग्री, मतलब मुझे अत्यधिक भूख लगी है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टार्विंग, मम्मी आई एम स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब अत्यधिक भूख लगनी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं स्टार्विंग, तो वेरी हंग्री की जगह आप यूज़ करते हैं स्टार्विंग। लास्ट वर्ड है हमारा वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी जैसे हम किसी को बोलते हैं कि द वुमेन इज़ वेरी प्रिटी, तो यहाँ वेरी प्रिटी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ब्यूटीफुल, दैट वुमेन इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, तो वेरी प्रिटी की जगह हम बोलेंगे ब्यूटीफुल। तो इस तरह से 20 वर्ड हमने जाना जिसके आगे हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं और वो हमेशा बहुत अच्छा साउंड नहीं करता है, इसकी जगह किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने जाना, जैसे वेरी कोल्ड तो फ्रीजिंग, वेरी वार्म तो हॉट, वेरी स्लो तो स्लगिश, वेरी प्रिटी तो ब्यूटीफुल। तो इस तरह से सारे 20 वर्ड है आपको बच्चे को बोल बोल के सिखाना है, रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में यूज़ करना है, यकीन मानिए जब आप इस तरह से करते हैं तो बच्चे हमारे बहुत ईजिली सीख जाते हैं और उनको काफ़ी मज़ा भी आता है। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मुझे लिख के बताएं आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, और लेट्स टॉक विद पल्लवी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें, और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।